अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख रहे होंगे चना चाट, बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चना चाट की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो छोले ले लिए थे, जो भिगो कर रात में मैंने रख दिए थे। अब मैंने सुबह इनको बॉयल किया और ये माशाल्लाह देखें इस तरह, इस कंडीशन में मुझे ये बॉयल छोले चाहिए। इसके अलावा मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, जो मैंने नमक और थोड़ा जर्दे का रंग डालकर इनको बॉयल कर लिया और इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 प्याली जो है वो मुझे इमली का पल्प चाहिए। 1 टेबल स्पून जो है वो मुझे हरी मिर्च जो है वो मैंने पीस ली है। इसके अलावा मुझे चाहिए नमक 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून वाइट नमक ले लें, 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैंने काला नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया लिया है, 1/2 टेबल स्पून कुटा भुना जीरा लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्च लिए। इसके अलावा मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला लूँगी और मैंने 1 कप जो है वो दही लिया है। अब इसको बनाने का तरीका बताती हूँ जी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना जी। तो मैंने टमाटर लिए हैं 2, वो मैंने बारीक चॉप कर लिए। 1 स्मॉल साइज़ का खीरा लिया था वो चॉप कर लिया, 2 मीडियम साइज़ के प्याज वो चॉप कर लिए, थोड़ा हरा धनिया वो चॉप। छोलों में जो है वो अपने आलू ऐड किए। अब इसके अंदर मैं अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर चाट मसाला, चाट मसाला जो मैंने होममेड बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग उस पर देखकर सेम एज इट इज़ चाट मसाला बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये चाट मसाला है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये चाट मसाला कैसा लगा जी। फ्रेंड्स, तो मैंने अब इसमें ये सब चीज़ें डालकर मिक्स किया। अब ये मैंने लिया है 1 कप इमली का पानी, ये मैं ऐड कर दूंगी, बहुत मज़े का लगता है ये खट्टा खट्टा। और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच जो हरी मिर्च ली थी वो मैं ऐड कर दूंगी जी। तो फ्रेंड्स, ये देखें मज़ेदार सी मेरी चाट रेडी हो रही है। अब इसके साथ ही मैंने ये प्याज जो था इसको मैं हाथ से थोड़ा सा ऐसे क्रश करके इसको खोल कर अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मसल कर मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी, सारा टमाटर ऐड कर दूंगी, खीरा ऐड कर दूंगी और हरा धनिया ऐड कर दूंगी। ये सब ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसके ऊपर जो हम पापड़ी डालकर खाते हैं ना, वो टेस्ट तो बहुत ही कोई मज़े का लगता है। ये हम इस तरह से इसमें मिक्स करेंगे जी। फ्रेंड्स, ये मैंने आधा नींबू लिया, अब मैं रेडी है जी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर सर्विंग के लिए मैंने जो ये दही ली थी 1 प्याली ये ऐड कर दी और ये पापड़ी हम इसके ऊपर तरह डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी चाट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई। इसको मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डालकर भी गार्निश कर दिया था। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है और ये खाने में भी इसी तरह मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार में, और कभी मेहमान आ जाते हैं अचानक से, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चाट कैसी लगी। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।